नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से जॉब वैकेंसी निकल के आया है। तो इसमें बहुत सारे वैकेंसी है, क्या पोस्ट है और कौन कौन कैटेगरी डाल सकते हैं, एज का क्राइटेरिया क्या है, वो सब डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक मेरा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल में आप लोग न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जॉब रिलेटेड का वीडियो लाते रहता हूँ ताकि आप लोगों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस की। तो मैं जो बोल रहा था, इंडिया गवर्नमेंट का जो वैकेंसी निकला है जॉब के ऊपर, उसके डिटेल्स में बताएंगे। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे मैं गूगल पे आया हूँ, आप लोग को गूगल पे जाना पड़ेगा। पहले गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करना है SEBI.gov.in। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको SEBI.gov.in, इसका मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग का साइट है जहाँ पे हम लोग जो जॉब के बारे में बात करें। तो ये जॉब निकला है जो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, जो वैकेंसी है उसका डिटेल्स में मैं वीडियो में बताऊंगा आप लोग। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कैसे क्या अप्लाई करना है और इसका जो गाइडलाइन पूरा। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल सा आपको यहाँ पे आना है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे अबाउट सेक्शन, मेनू बार है उसके, अबाउट सेक्शन के यहाँ करियर। तो अगर मैं करियर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अप्रैल 21 का एक टाइटल निकल के आया है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सिंपल सा ऐसे एक खुल के आएगा, ये है एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे देखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड ए, मतलब पोस्ट का नाम है ग्रेड ए के लिए, जनरल लीगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर रिसर्च एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम, ये सब पोस्ट है ग्रेड ए के लिए। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो निकला है बहुत पहले निकला था और एक्सटेंड भी हो गया था, मतलब डेट खत्म भी हो गया था सॉरी, और ये जो लॉकडाउन की वजह से वो डेट रिशेड्यूल हो गई। अभी देखो डेट अभी तक एक्टिव है, तो आप चाहे तो डाल सकते हैं इसमें फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे जो ड्यू टू लॉकडाउन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ड्यू टू लॉकडाउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट एंड इंटरफेस हैज बीन रिवाइज एज अंडर। तो एक्टिविटी पहले यहाँ पे लिखा गया है, पहले क्या था 30 अप्रैल तक था, खत्म हो गया, अभी मार्च 7 से मई 31 तक बढ़ा दिया गया है। तो आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, फॉर द डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर विजिट SEBI वेबसाइट एट, ये वाला। तो यहाँ पे क्लिक करने से सेम क्या खोल के आ रहा है देखते हैं। देखिए वही वही खोल के आ रहा है। तो मैं पहले से ओपन किया हूँ और एक डाटा कलेक्ट किया हूँ, उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए वहीं पर चलते हैं। तो यहाँ यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स है, वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, OBC के लिए क्या सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, SC ST के लिए, यहाँ पे स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्मेट है, यहाँ पे सर्टिफिकेट डिजेबिलिटी के लिए इसमें भी, और एक यहाँ पे और एक। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसको मैं डिटेल्स में पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को। उससे पहले जो मेन मेन टॉपिक है उसी को मैं डिस्कस करूंगा और कवर करके पूरा क्लैरिफाई करूंगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे 26 पेज है। अगर 26 पेज को मैं रीड करते जाऊँ तो टाइम लग सकता है, आधा घंटे से ज़्यादा लगेगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए नोटपैड में मैं आउटपुट मतलब निकाल लिया हूँ पहले से। जो बोर्ड है हम लोग का रिक्रूटमेंट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का थ्रू से है। इसमें जो जनरल पोस्ट्स हैं, पहले 80 पोस्ट हैं, इसमें हर कैंडिडेट डाल सकते हैं। उसके बाद है लीगल पोस्ट 34, उसके बाद IT जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो 22, उसके बाद इंजीनियरिंग सिविल के लिए 1 पोस्ट है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 4 पोस्ट है, उसके बाद रिसर्च के लिए 5 पोस्ट है और ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 1 पोस्ट। टोटल अगर कूल करते हैं तो 147 पोस्ट हैं। उसके बाद कैटेगरी की बात करें, जैसे कि आप कौन से कैटेगरी हो आप डाल सकते हैं कि नहीं, ऐसे अगर कुछ आपका मन में डाउट है तो यहाँ पे देखिए ST SC OBC और SC BC, और डिजेबिलिटी भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ, आपको वहाँ एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ एज लिमिट, इसका जो एज लिमिट है, एक कैंडिडेट मस्ट नॉट एक्सीड द एज ऑफ 30 ईयर एज ऑन फेब्रुआरी 29 तक, मतलब उसका जो एज है, एप्लीकेशन एज है 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 30 से ऊपर है तो आप यहाँ पे मतलब एलिजिबल नहीं है, अगर 30 के अंदर है तो आप डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन है सिंपल, यहाँ पे देखिए शैल बी 3 फेज स्टेज प्रोसेस, दैट इज फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद फिर से और एक ऑनलाइन एग्जाम, थर्ड जो है हम लोग का इंटरव्यू है। तो ये उनका प्रोसेस है। उसके बाद सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए पे द स्केल्स ऑफिसर इन ग्रेड ए इज 28,000 से लेके 55,000 पर मंथ है। तो ये वेरी करेगा, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है। ग्रेड ए में देखिए हम लोग जैसे बात किए थे, यहाँ पे अगर जाऊँ तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट मैनेजर, जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम। तो
तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम हिसाब से वेरी करेगा, लेकिन हम लोग का स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 28,000 से होगा स्टार्टिंग, 28,150 से लेके 55,600 इतना तक जाएगा, ग्रो करेगा। तो इसमें जो फीस लिखा गया है, ये फीस है एप्लीकेशन फीस, जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें कुछ चालान वगैरह होता है, वही सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे बोला गया है अंडर रिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उसके लिए 1,000 रुपीज लगेगा एप्लीकेशन चार्जेस, और एसटीएससी और पीडब्ल्यूडी जो डिजेबल्ड है उनके लिए 100 रुपीज लगेगा। तो इसको मैं एडवर्टाइजमेंट में भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं जो मेन मेन टॉपिक को यहाँ पे निकाल लिया हूँ ताकि आप लोगों को कम्प्लीट समझ में आ जाए। वहाँ पे अगर ढूंढते रहेंगे तो उतना सारा पेजेस हैं, इसलिए मैं निकाल लिया हूँ। उसके बाद है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट, इसको तो मैं दिखा दिया हूँ पहले भी, फिर भी यहाँ पे देखिए 21 मई तक है। तो आज हम लोग का 4 तारीख है, आप लोग आराम से डाल सकते हैं, इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग वही एडवर्टाइजमेंट को रीड करते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो डाल सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया हूँ एलिजिबिलिटी क्या है, तो उसी को देखेंगे, और कुछ भी वहाँ पे छूट गया होगा तो वहाँ पे देखते हैं। तो मैं उसी को एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे गया था ये वाला साइट में sbi.gov.in, वहाँ पे जाके ये खुल के आया है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, इसको क्लिक करने से सेम यही खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए 26 नंबर पेज, टोटल 26 है। तो मैं यहाँ पे पेज नंबर 1 पे जा रहा हूँ, ऊपर में स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट, आप लोगों को दिख रहा होगा। जनरल, यहाँ पे देखिए जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम और रिसर्च और ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके लिए बोला गया है। तो यहाँ पे फिर से और एक बार से मेंशन किया गया है जो डेट, इम्पोर्टेंट डेट, तो ये पहले का डेट है इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख दिखा रहा है। तो हम लोग का जो अपडेट डेट है वहाँ पे आप लोग जो पहले वाला साइट में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं जो डेट हम लोग का ये वाला डेट है बोल के बोला जा रहा है। तो ये पहले का डेट था इसलिए एडवर्टाइजमेंट पहले से वो लोग अपलोड कर दिए थे, वहीं पर लिखा हुआ है। तो इसको देख के घबराइए मत कि हम लोग का जो डेट खत्म हो गया बोल के, ये खत्म नहीं हुआ है, स्टार्ट है, आप लोग डाल सकते हैं। तो सिंपल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो लोग मेल आईडी भी दिए हैं, अगर चाहते हो मतलब आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि क्या प्रोसीड्यूर है। तो यहाँ देखिए भाई SCBI इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द, यहाँ पे ऊपर वाला फॉर द एप्लीकेशन सिटीजन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए, वही सेम चीज लिखा हुआ है। तो इसको नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे क्या एजुकेशन सब है इसमें। तो पहले आते हैं यहाँ पे स्ट्रीम लिखा गया है, नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पे आउट ऑफ व्हिच PWD जो डिजेबिलिटी के लिए, उसके बाद एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। तो पहला जो हम लोग का था जनरल, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ग्रेड ए में असिस्टेंट मैनेजर फॉर जनरल स्ट्रीम, उसके बाद लीगल स्ट्रीम, उसी तरह यहाँ पे स्ट्रीम दिया गया है साइड में। तो जनरल स्ट्रीम के लिए यहाँ पे टोटल 80 पोस्ट, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताया था 80 पोस्ट, देखिए ये वाला 80 पोस्ट सेम चीज यहाँ पे है, जो कि अंडर रिजर्व के लिए जनरल के लिए, जनरल स्ट्रीम के लिए जनरल जो कैटेगरी होते हैं उनके लिए 30 पोस्ट, ओबीसी के लिए 22 पोस्ट और एससी के लिए 12 पोस्ट, एसटी के लिए 6 पोस्ट है और ईएसडब्ल्यू उसके लिए 8 पोस्ट। अगर टोटल करते हैं तो 80 पोस्ट आते हैं जनरल स्ट्रीम के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एजुकेशन देखते हैं, इसमें मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सीए और सीएफए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें बोला जा रहा है कि आप लोग को मास्टर डिग्री होना जरूरी है, नहीं तो बैचलर डिग्री इन लॉ। तो ये हम लोग का मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अगर आप इनमें से क्वालिफाइड हैं तो ये वाला फॉर्म आप भर सकते हैं जनरल स्ट्रीम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड हम लोग का है लीगल स्ट्रीम, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये हम लोग का सेकेंड स्ट्रीम है लीगल स्ट्रीम, उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखिए टोटल है हम लोग का 28 और 6 34, अंडर रिजर्व जो कि हम लोग का जनरल कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट, ओबीसी के लिए यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है मेल फीमेल होगा शायद, यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, एसटीएससी के लिए 6, मतलब टोटल काउंट करें तो ओबीसी के लिए 10 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 2 और ईएसडब्ल्यू के लिए नीचे दिया गया है 2, और टोटल कुल मिलाते हैं तो हम लोग का मतलब 34 होता है। तो लीगल स्ट्रीम के लिए एप्लीकेशन अगर आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें भी बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यहाँ पे लॉ आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और लॉ में बैचलर डिग्री होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन।
फिर आते हैं आईटी, हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ पे देखिए टोटल हम लोग का 22 पोस्ट हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है अंडर रिजर्व के लिए 8 पोस्ट, उसके बाद ओबीसी के लिए, उसके बाद एससी के लिए, एसटी के लिए, उसके बाद हम लोग का टोटल किया गया है। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आईटी के लिए वो है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इतना सारा, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं इलेक्ट्रिकल में तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है तो भी डाल सकते हैं, कंप्यूटर साइंस है तो भी डाल सकते हैं, और दिया गया है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन तो भी डाल सकते हैं, और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद ए पोस्ट ग्रेजुएट, अगर डिग्री करके आप पीजी किए हैं कुछ भी कोर्स में 2 साल के लिए तो भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे कंप्यूटर और आईटी वाला भी डाल सकते हैं। तो ये था हम लोग का आईटी स्ट्रीम के लिए। उसके बाद यहाँ पे सिविल, सिविल के लिए हम लोग का एक पोस्ट है, वहाँ पे जो एजुकेशन है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर कैटेगरी किया गया है सिविल के लिए, तो सिविल तो जरूरी है, सिविल होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिकल देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी इलेक्ट्रिकल होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आते हैं रिसर्च के लिए, तो रिसर्च के लिए मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो ये रिसर्च है, मतलब आप लोगों को इकोनॉमिक मतलब कॉमर्स लाइन में मास्टर डिग्री होना चाहिए आप लोगों को, अगर इनमें क्वालिफाइड हैं तो आप रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें एक पोस्ट है, तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द, अच्छा सॉरी, इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल ऑफ मास्टर डिग्री इन संस्कृत इंग्लिश इकोनॉमिक कॉमर्स विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर यहाँ पे डालना चाहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए तो आप लोगों का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन हिंदी होना चाहिए। तो ये था हम लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो जो भी पोस्ट निकला है उनको डालने के लिए, तो आपका जो भी फिट हो रहा है इनमें से, कोई भी आपका क्वालिफिकेशन फिट हो रहा है तो उसी के हिसाब से स्ट्रीम चूज करके कैटेगरी में देखिए कौन सा वैकेंसी ज़्यादा है उसी में फिल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ओवरऑल तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, यहाँ पे फिजिकल भी डिजेबिलिटी वाला भी डाल सकते हैं फॉर्म, यहाँ पे एज लिमिट बताया गया था, मैं वो भी आपको पहले से डिस्कस कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पैटर्न, जो पटिशन किया गया है मार्क कैसे, मतलब सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं। तो पेपर वन में ऑल स्ट्रीम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग सम क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, इतना। तो पहला ऑल स्ट्रीम में 100 मार्क, उसका टाइम रहेगा 60 मिनट, और जो कटअप रहेगा 30% लाना है, मतलब 100 से 30 लाना है मिनिमम कटअप मार्क, अगर इससे कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसी तरह पेपर टू में टोटल क्वेश्चन रहेगा हम लोग का जनरल स्ट्रीम से 100, उसके लिए 40 मिनट्स, उसमें 40% लाना है। और सेकेंड जो हम लोग का है इसमें पेपर टू का ही और एक पेपर है जहाँ पे 100, उसके भी 40 मिनट के लिए 40%। तो एग्रीगेट कटअप अगर ओवरऑल से आप अगर 40% लाते हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं। तो और भी कुछ लिखा गया है, आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं डिटेल्स में, यहाँ पे नीचे और नीचे, सॉरी नीचे आते हैं यहाँ पे फेज टू के लिए। ये तो फेज वन, क्योंकि हम पहले बताया था इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है 3 फेजेस, पहला फेज वही रिटिन मतलब स्क्रीनिंग, सेकेंड भी वही स्क्रीनिंग, थर्ड हम लोग का इंटरव्यू है। तो ये हम लोग का पहला फेज था, पहला फेज का जो सिलेक्शन मतलब एग्जामिनेशन प्रोसेस। उसके बाद सेकेंड फेज देखिए, यहाँ पे सेकेंड फेज का ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे रहेगा, उसमें भी सेम उसे लिखा गया है यहाँ पे 100 मार्क्स 60 मिनट 30%, अगर इसमें से 1/3 लाते हैं तो आप क्वालिफाइड कर मतलब क्वालिफाई करते हैं। टोटल यहाँ पे भी आप लोगों को 40% लाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग का लास्ट है इंटरव्यू, यहाँ पे देखिए इंटरव्यू, और इंटरव्यू वही लोग करेंगे जो जो सेकेंड फेज का जो क्वालिफाई करेंगे वही लोग यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आएंगे। तो ये था हम लोग का सिलेक्शन प्रोसेस का जो क्वेश्चन पेपर उस स्टेप। यहाँ पे देखिए सर्विस कंडीशन पे एंड अलाउंस, तो यहाँ अलाउंस तो बहुत सब कुछ है, यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल कैंडिडेट रिक्रूटेड टू पोस्ट ऑफिसर ग्रेड ए सेल अंडर गो प्रोजेक्ट ऑफ 2 ईयर, कैंडिडेट सेल बी कन्फर्म द सर्विस ऑफ सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड।
तो यहाँ पे बोला गया है कि 2 साल के लिए आप लोगों को क्या इस टाइप का, अच्छा सॉरी वो थोड़ा मैं अलग बोल रहा था, तो यहाँ पे देखते हैं इसको आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, पे में बोला गया है 28,150 से लेके भेरी करते रहेगा। देखिए यहाँ से जाके फिर 34,000 जाएगा, 34 से 46, 46 से यहाँ पे 53, 53 से लास्ट हम लोग का 55,600 जा रहा है। तो ये हम लोग का सैलरी है। और भी यहाँ पे बोला गया है, देखिए प्रेजेंटली द ग्रोस इमोलुमेंट इंक्लूडिंग SEBI's कंट्रीब्यूशन टुवर्ड नेशनल पेंशन स्कीम, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस एटसेट्रा, इतना सारा अलाउंस आपको मिलेगा एट मुंबई एट द मिनिमम ऑफ दिस स्केल इज अप्रोक्सीमेट, इतना मतलब बोला जा रहा है 1,17,000 पर मंथ विदाउट एकोमोडेशन एंड। अच्छा ये इसमें और भी स्कीम्स मतलब एक क्राइटेरिया है जो कि आप अगर जो बोला जा रहा है जो हम लोग का क्या यहाँ पे जो NPS पेंशन सिस्टम आप अगर लेना चाहते हैं इतना पर मंथ या फिर इतना पर मंथ, तो आपको एकोमोडेशन छोड़ना पड़ेगा नहीं तो लेना पड़ेगा। अगर एकोमोडेशन लेते हैं तो आपको इतना मिलेगा, एकोमोडेशन नहीं लेते हैं तो इतना मिलेगा। तो इसमें से आपको चूज करना है दोनों में से किसी एक को। उसके बाद यहाँ बेनिफिट तो बहुत सारे हैं जैसे कि लीव, फेयर, कंसेशन, मेडिकल एक्सप्रेशन, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, ग्रुप केसेस, बहुत सारे यहाँ पे हैं। आप लोग इसको आराम से बैठ के पढ़ लीजिए। उसके बाद पोस्टिंग क्या है, तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन सेंटर देखेंगे, इसको हम लोग नहीं देखे थे, इसको देख लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर इधर स्टेट है, इधर सेंटर है, स्टेट है, इधर सेंटर है। तो यहाँ से लेके आंध्र प्रदेश से लेके आप लोग इसको देख लीजिए, आपका नियरेस्ट सेंटर कहाँ पे हो रहा है वहीं पे आप लोग डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया, इसको आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, इसको मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कैसे क्या भरना है, पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए कुछ नहीं, आप लोग को यही वाला साइट ऊपर में आना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अप्लीकेशन लिंक, और अगर OBC आप हैं तो यहाँ से OBC सर्टिफिकेट निकालेंगे, ST SC हैं तो यहाँ से, और स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ से, अगर डिजेबिलिटी में आते हैं तो यहाँ पे तीनों को निकालना पड़ेगा, क्लिक करेंगे निकल जाएगा PDF, डाउनलोड करेंगे, भरेंगे, फिर अपलोड करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ फॉर्म को भरने के लिए, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और इसको रहने देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो ये है हम लोग का, देखिए यहाँ पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं पहले भी और एक वीडियो बनाया था जो कि हम लोग का जो बैंकिंग के रिलेटेड था, तो आप लोग चाहते तो वहाँ पे भी जाके कर सकते थे। देखिए IBPSonline.IBPS.in पहले जो बैंकिंग का निकलाया था एक वीडियो, यहाँ पे देखिए कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 मार्च, क्लोज 31 मई, एप्लीकेशन फीस वही मतलब एडिटिंग के लिए 31 मई, और जो लास्ट डेट ऑफ प्रिंट आउट है वो June 15 तक है, ऑनलाइन पेमेंट वो 31 तक है। तो यहाँ पे आप लोग को डेट दिख रहा होगा, ये वाला डेट सेम डेट है, आप लोग आराम से भेजिए, भर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। तो हाउ टू अप्लाई अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से भर सकते हैं, ये तो सिंपली क्लिक टू रजिस्ट्रेशन, ये ऊपर में आप लोगों को दिख रहा होगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिंपल सा एक फॉर्म खुल के आएगा। और इसको भरने के लिए मुझे कुछ आपको बताना है, बताने के लिए शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि आराम से आप भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ईमेल और मोबाइल क्या क्या जरूरी है वो सब पहले पास में रखिए, उसके बाद फॉर्म भरिए, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ जो डिटेल्स दिया गया है वही सेम प्रोसेस है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, सिंपल है, कुछ नहीं है, बेसिक यहाँ पे स्टेप है कुछ, उसको फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को, जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन पहला स्टेप, सेकंड स्टेप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद डिटेल्स भरना है आपका जो भी एजुकेशन या फिर कुछ भी एड्रेस सब, उसके बाद डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू करना है, लास्ट में जो डॉक्यूमेंट अपलोड है वो प्रोसेस, उसके बाद पेमेंट, लास्ट में सबमिट, उसके बाद प्रिंट करके आपका डॉक्यूमेंट खुद रखना है। तो कैसे भरेंगे, पहला जो है फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम भरना है, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करना है कोई आपका नेम को, मिडिल नेम है तो दीजिए नहीं तो स्किप कीजिए इसको, इसमें देखिए स्टार मार्क नहीं है। उसके बाद लास्ट नेम अगर है तो दीजिए, अगर नहीं है तो भी छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम ऑटोमेटिक दिखाएगा, जो भी नाम होगा यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर ठीक है तो आगे बढ़िए। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका भरिए दोनों में, ये वाला में, उसके बाद ये वाला में, उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट है तो उसको भी भरिए, और मेल आईडी यहाँ पे भरिए, मेल आईडी यहाँ पे भरिए। हाँ और एक बात, यहाँ पे देखिए डोमेन नेम बोला है, तो यहाँ सोचने वाली बात नहीं है, घबराने वाली भी बात नहीं है, जैसे कि डोमेन नेम मान लो आपका जीमेल अकाउंट है, मतलब
मान लीजिए xyz@gmail.com ऐसे है, तो आपको xyz को यहाँ भरना है, @ तो पहले से है, gmail.com यहाँ से चूज करना है आपको, जैसे कि यहाँ से सिलेक्ट करना है, मान लो ये वाला gmail.com हो गया, बस इतना है। अगर मान लो आपका priyankachopra@gmail.com ऐसे कुछ है, तो आपको यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा लिखना है, @gmail.com यहाँ से चूज करना है। अगर कोई अलग है जैसे कि यहाँ रेडिफ मेल, याहू या फिर कुछ अदर, तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कंफर्म आपका दिखाएगा, अगर ठीक है तो आगे बढ़िए। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड, यहाँ पे जो G7MJS है उसको भरिए, अगर नहीं आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ से रिलोड कीजिएगा तो ऑटोमेटिक अलग से खुल जाएगा। ऐसे देखिए मैं रिलोड कर रहा हूँ, देखिए चेंज हो गया रिलोड, तो यहाँ पे अभी दिख रहा है QC2P4। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करने से यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह हर स्टेप को पूरा करना है, उसके बाद पेमेंट भरना है, पेमेंट भरने के बाद सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसको प्रिंट करके खुद के पास रखना है। और उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस है, मेल आईडी में आपको ऑटोमेटिकली जो एग्जामिनेशन डेट है वो सब आ जाएगा, नहीं तो आपको ये वाला साइट में आके विजिट करते रहना है कि हम लोग का डेट निकला कि नहीं निकला ये सब बोल के। तो ये था मेरा कंप्लीट वीडियो जो आप लोग तक पहुँचाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जॉब रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाते रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन रखिए, ताकि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खुशी रहिए, घर में ही रहिए, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।